आज एकादशी है, आप सबको पता होगा एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। बड़ी ये तिथि प्रिय है भगवान को और आप सब लोग प्रयास करेंगे एकादशी जप करने का, बहुत अच्छा एकादशी पालन करने का। एकादशी में हम अन्न नहीं खाते हैं, अन्न में गेहूं दाल चावल सरसों इत्यादि अन्न की श्रेणी में आता है। जब व्रत करते हैं तो व्रत करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला एक कारण होता है व्रत के पीछे शारीरिक कारण, दूसरा होता है धार्मिक कारण, तीसरा होता है आध्यात्मिक कारण। तो शरीर का उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है, मन के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है और आध्यात्मिक रूप से उसे क्या लाभ होता है और धार्मिक पक्ष उसका क्या है। तो शारीरिक, मानसिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ये चार प्रकार के लाभ एकादशी के पालन करने से होते हैं। शरीर की बात करें तो व्रत करने से शरीर स्वस्थ होता है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको थोड़ा एक दिन राहत मिल जाती है। यदि हम मन की बात करें तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो दृढ़ होती है कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे। तो भले लाख परिस्थितियां उपस्थित हो जाएं अन्न खाने के लिए, लेकिन हम कहते हैं आज नहीं खाएंगे, तो मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं। यदि हम बात करें धार्मिक पक्ष की बात करें तो धार्मिक पक्ष में क्या होता है कि हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी, शुभदा एकादशी, तो हर एकादशी का जो शास्त्र में महिमा है वो धार्मिक उसका लाभ होता है। और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। आध्यात्मिकता में हम भगवान को केंद्र में रखते हैं तो इसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न, ये तिथि भगवान को बड़ी खुश करने वाली है इसलिए हम इस तिथि का पालन करते हैं। तो एकादशी पालन करने के अलग अलग कारण हैं, तो आप लोग सब एकादशी का पालन कीजिए।